वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हमें कॉमर्स क्यों ऑप्ट करना चाहिए। बेसिकली कॉमर्स ऑप्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि अगर हम कॉमर्स ऑप्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट लाइंस हैं। हम चाहे तो सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बट और कॉर्पोरेट फील्ड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट कुछ लोग आपको ऐसा भी बताते होंगे कि कॉमर्स ऑप्ट करने से आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकते, आप डिफेंस के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, आप अदर सेक्टर में जॉब नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तब भी कॉमर्स आपके लिए बेस्ट है, कॉमर्स आप चूज कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ एसएससी या यूपीएससी की जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तब भी कॉमर्स आपके लिए बेस्ट है। बेसिकली कॉमर्स में आपको दोनों चीजें हैं, ये आपका आर्ट एज वेल एज साइंस दोनों को इन्वॉल्व करता है। आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्स में हमारा एक कॉमर्स विद मैथमेटिक्स ऑप्शन भी होता है। बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं, बहुत कम लोग ऑप्ट भी करते हैं। बेसिकली हम कॉमर्स के साथ जो इकोनॉमिक्स एक हमारा सब्जेक्ट है वो आपको सिविल की बहुत नॉलेज देता है, सिविल सर्विसेज में बहुत हेल्प करता है। तो बेसिकली इसलिए हमारा कॉमर्स, मैं ये नहीं कहता कि अदर सब्जेक्ट से बेस्ट है या अदर सब्जेक्ट से अलग, बट इसकी अपनी खुद की एक स्पेशलिटी है। कॉमर्स ऑप्ट करने के बाद आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप कॉमर्स ऑप्ट करिए, प्लस कभी भी सब्जेक्ट चूज करने के लिए आप अपने पड़ोसी को मत देखिए, अपने फ्रेंड को मत देखिए, आपको क्या आता है उसे देखिए। मैक्सिमम बच्चे अभी 10th का एग्जाम दिया, 10th के बाद सारे बच्चे जब 11th में आते हैं तो मैक्सिमम बच्चे सब्जेक्ट ऑप्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा है, अच्छा मैं भी साइंस ले रहा हूं, मेरा फ्रेंड बायो ले रहा है तो बायो ले रहा हूं, मेरा फ्रेंड मैथमेटिक्स ले रहा है मैथमेटिक्स ले रहा है, मेरा फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है कॉमर्स ले रहा है, मेरा फ्रेंड आर्ट्स ले रहा है मैं आर्ट्स ले लू। ऐसा नहीं है। हमेशा सब्जेक्ट ऑप्ट करने के लिए आप अपने आप को एनालाइज करिए, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। 10th तक आपने सब कुछ पढ़ा है बट हां आपने कॉमर्स नहीं पढ़ी थी 10th तक। 10th के बाद जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो कॉमर्स आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन उससे पहले तो आप बाकी सब कुछ तो पढ़ चुके हैं। आप आर्ट्स भी पढ़ चुके हैं, साइंस भी पढ़ चुके हैं, यानी सोशल स्टडीज भी पढ़ चुके हैं, साइंस भी पढ़ चुके हैं। तो अब आपने 10th तक साइंस पढ़ी हो तो आप तो वहां तक जज कर लिया होगा आपने कि आप फिजिक्स में कैसे हैं, केमिस्ट्री में कैसे हैं, मैथ्स में कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर सकते, आप उसमें बहुत बेटर नहीं परफॉर्म कर सकते, तो मेरे हिसाब से आपको कॉमर्स ऑप्ट करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी कर सकता है वो कॉमर्स नहीं ले सकता, वो भी कॉमर्स लेता है। आपके पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे या आपके आस पड़ोस में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके 10th में 10 CGPA आते हैं, 10 CGPA आता है, फिर भी वो कॉमर्स ऑप्ट करते हैं और वो कॉमर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इन कंपैरिजन टू साइंस। मैं यहां पे ये नहीं बता रहा कि कॉमर्स सबसे हाइट पे है, कॉमर्स सबसे ऊपर है, साइंस नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सब्जेक्ट इक्वल लेवल पे, सबका अपना एक अलग अलग लेवल है, सबका अपना एक बार है, सभी अपनी जगह पे सही है। बट मैं कहता हूं बच्चे को क्या करना चाहिए, वो बच्चे को खुद सोचना चाहिए। खुद आप नेट पे सर्च कर लीजिए कितने सारे ऑप्शंस हैं कॉमर्स के, कितने सारे लोग बीटेक करने के बाद एमबीए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उनको बीटेक के थ्रू जॉब नहीं मिल रहा, उनको जॉब किसके थ्रू मिल रहा है, उस मैनेजमेंट डिग्री की वजह से। आजकल कंपनीज में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसलिए जब आपको मैनेजमेंट में ही जाना है तो आप पहले से ही कॉमर्स को ऑप्ट करिए। क्यों बीटेक में पैसे वेस्ट करोगे, क्यों अदर कोर्सेज में पैसे वेस्ट करोगे फिर एमबीए करोगे? इससे बेटर है आप पहले ही कॉमर्स ऑप्ट करिए। और इससे क्या है, अगर आपके पास पहले से कॉमर्स है तो आप आगे किसी बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीए कर सकते हैं, आप फाइनेंस से एमबीए कर सकते हैं, एचआर से एमबीए कर सकते हैं, आप मार्केटिंग से भी एमबीए कर सकते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप जब भी सब्जेक्ट ऑप्ट करें मार्केट को पहले सर्च करें कि मार्केट में क्या चल रहा है, किसकी इंपॉर्टेंस है, ट्रेंड किसका है, तब आप किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से
आप अपने अकॉर्डिंग खुद सोचिए आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शन है, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।